और महानुभाव, मेरे सामने बैठी हुई सब माताएं बहने, आप लोगों को तो सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतनी संख्या में यहाँ रुक के और इतना प्यार से हम सबका स्वागत किया है, मेरा स्वागत किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मैं आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा। इसके साथ साथ इतनी अच्छी संख्या में दूर के इलाके से मेरे भाई, मेरे बुजुर्गण यहाँ सब लोग आए हैं, आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी है। और मैं आप लोगों को इतना ही कहने आई हूँ कि इतना प्यार अगर देते रहोगे तो बिगाड़ दोगे, सबको बिगाड़ दोगे, क्योंकि हम तो आपके प्यार के ही कायल हैं। आप प्यार देते रहोगे, हम तो दौड़ते रहेंगे। साथ साथ मैं उन सब गांवों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन गांवों में से निकल के मैं आ रही हूँ। मैंने कहा कि ये आप लोग मीटिंग में तो पहुंचने वाले हो नहीं, सब लोग रस्ते में कहीं 200 आदमी, कहीं 400 आदमी, कहीं 500 आदमी अपने अपने रुके हुए, और करीबन ऐसे 8-10 रस्ते में जो स्वागत किया, इतने प्यार से किया सब लोगों ने कि मैं पूछ रही, मैंने कहा कौन सा क्षेत्र है ये, तो मेरे को कहा ये धोध है। तो मैंने कहा कि ये धोध में आज इतने सारे लोगों ने चला के पूरे रस्ते भर में प्यार दिया है, मैं सब लोगों को पहले ही बहुत सारा प्यार देंगे। यही कहना चाहूंगी कि मुझे गर्व है मेरे ऐसे परिवार पे, क्योंकि यहाँ के लोग हैं दबंग, यहाँ के लोग हैं वो जो अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, और यहाँ के लोग ही नहीं है, यहाँ की माताएं बहनें भी वैसे ही हैं। तो इसलिए आज ये मेरी माताएं बहनों को, दबंग माताएं बहनों को यहाँ देख के, मेरे दबंग युवा साथी और मेरे सब भाइयों को यहाँ देख के मुझे अत्यंत ही खुशी है, क्योंकि ये कोई और जगह नहीं, ये धोध में आई हूँ। यहाँ साथ साथ मैं पहले ही मेरे सब अल्पसंख्यक भाइयों का अपने पार्टी के अंदर स्वागत करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी बताया गया है कि बहुत भारी संख्या में आप लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। मेरा स्वागत है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपके आने से पार्टी और मजबूत होगी और तरह से खड़े होकर काम करने की तैयारी। मैंने सबको ये कह दिया कि प्लीज आज मुझे फूल मत पहनाना, आज नहीं, पहली तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो मेरे कार्यक्रम है उनमें मैंने यही कहा, मैंने कहा कि मुझे माला मत पहनाना, फूल मत देना, क्योंकि यहाँ पूरे जो यहाँ बैठे हुए हैं सब राजस्थान के लोग उस उत्तराखंड की त्रासदी से जुड़े हुए हैं, जिस उत्तराखंड की त्रासदी के अंदर हमारे इतने सारे राजस्थान के भाई भी लापता हो गए, बहुत सारे वापस आ गए परंतु बहुत सारे लापता हो गए। और मैं तो आज ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के कि हजारों की संख्या में जो लोग वहां गए थे वो वापस नहीं पहुंच पाए। इसलिए नहीं पहुंच पाए कि जो भी सरकारें थी वो सरकारें अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर पाए, इसलिए जितने आने वापस चाहिए थे वो नहीं वापस आ पाए, और वहां बिलक बिलक के भूखे, प्यासे और बीमार अपने जान से हाथ धो गए। गए थे वहां दर्शन करने के लिए, और परिवार के जो लोग वापस लौटे उन्होंने जो जो कहानियां मुझे बताई, मैं समझती हूं कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लोगों ने मेरे को ये बताया कि आज ये परिस्थिति हुई है कि कोई हमको वहां से ले जाने वाला नहीं था, आज ये स्थिति थी। इसीलिए जब मेरे से कहा गया कि आप क्या उत्तराखंड जा रहे हो, तो मैंने सबको ये कह दिया कि मेरी बात हुई उत्तराखंड में खंडूरी जी से, और खंडूरी जी का ये कहना था कि यहाँ तो VIP आ रहे हैं, यहाँ टूरिज्म कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पर मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग न आए तो अच्छा है, क्योंकि जो VVIP आ रहे हैं, जो VIP आ रहे हैं, उनकी वजह से हमारे जो रक्षा का काम हम कर रहे हैं उसमें बाधाएं आ रही हैं। आप लोग आओगे तो हम लोगों को नुकसान पड़ेगा, आप अपने क्षेत्र के अंदर जो अपने लोगों के लिए कर सकते हो वो करने की आप लोग कोशिश करिए। हम लोगों ने मिलकर राजस्थान के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा रुपया इकट्ठा किया, जो हम अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को बांटेंगे। अभी भी चालू है, क्योंकि मैंने फिर चालू करा दिया, तो मैं देख रही हूँ कि करीबन 23-24 लाख, हो सकता है 35 लाख तक हम लोग चले जाएंगे। तो मुझे ये खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो
उत्तराखंड को 2 करोड़ रुपए दिए, हम सब जनता एकत्रित होके हम लोगों ने 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए दिए, तो हमने जो उत्तराखंड को दिया उससे भी ज्यादा अपने लोगों ने इकट्ठा करके उनको देने का काम किया है। उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। उन जिनने 10 रुपए, मेरे जामुन वाले ने 100 रुपए दिए, तो मैंने कहा कि भाई 1 किलो जामुन तुरंत ही खरीद दो तो उसके 80 रुपए तो वापस चले जाएंगे। फिर भी सब ने, बच्चों ने आके दिया, रिक्शा वाले ने कहा मेरी 25 रुपए की कमाई है वो ले लो, मन से जुड़े हैं। और भाइयों, मैं आज आपके बीच में यही कहने आई हूं कि राजस्थान आगे तो तभी बढ़ सकता है जब राजस्थान की जनता एक आवाज में बोलेगी। आज दिन तक हम लोगों के बीच में बंटवारा किया जा रहा है, जातियों के बीच में बंटवारा, मजहब के बीच में बंटवारा। लोगों ने ये कोशिश की है कि राजस्थान बटा हुआ रहे ताकि हम कोई विकास का काम नहीं कर पाए। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चाहते हो कि नहीं चाहते विकास हो, आप लोग सब चाहते हो कि विकास हो, आप लोग सब चाहते हो कि एक ऐसा राजस्थान बने कि उस राजस्थान को देखने के लिए जिस तरीके से पुराने इतिहास के अंदर लिखा जाता था लोग आया करते थे, वैसे फिर से राजस्थान नंबर 1 पे हो जाए ताकि लोग दूर दूर से आके राजस्थान की मिट्टी को छूने का काम करें। मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि अगर आप वो चाहते हो, और अगर अपन चाहते हैं कि हमारी माता और बहनें सुरक्षित रहें, अगर हम चाहते हैं कि आपको गांव में सही तरीके से और शहर में सही तरीके से पानी मिले, अगर आप चाहते हो कि बीमारी नहीं हो उस पानी के अंदर, मुझे देख के दुख हो रहा है कि जगह जगह पे जहां मैं देखती हूँ वहां मैं देखती हूँ कि उसमें फ्लोराइड भरा पानी है, मैं देखती हूँ कि सही तरीके से बिजली नहीं है, सही तरीके से पानी नहीं है, सही तरीके से डॉक्टर नहीं है, और सही तरीके से कोई काम इस प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा। तो वो इसीलिए नहीं हो रहा कि हम लोग सब एक नहीं है। जिस दिन हम सब जातियां, हम 36 के 36 कौम एक साथ हो जाएंगे, जिस दिन सब मजहब एक साथ हो जाएंगे, तो कोई ऐसा राजनीतिक राह नहीं जो आप लोगों के बीच में फिर से खाई डाल के वो काम नहीं करे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस दिन आप लोग एक हो जाएंगे उस दिन पूरा पूरा राजस्थान एक हो जाएगा, उस दिन सब लोग आपके विकास के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे इन लोगों के समझना नहीं है, मुझे याद है कि मैंने बिजली देने का काम चालू किया था माता बहन, आपको याद है कि यहां बिजली कभी सही तरीके से सालों से नहीं आ रही। जीएसएस के अंदर क्या होता था, बिजली विभाग में क्या होता था, दोस्त के लोगों से सबसे अच्छा जानते थे। मैंने सब लोगों को यह कह दिया कि मैं इसको चैलेंज के तहत रूप में स्वीकारती हूं। सबसे पहले मैं तब सबको कह दिया कि मैं महिलाओं के लिए एक अलग सी लाइन निकालूंगी। चलो तुम किसान की जितना लड़ाई लड़ते हो, पहले महिलाओं को दूंगी। और इसीलिए मैंने एक इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में पहली दफा एक अलग से लाइन लेके घरेलू बिजली के नाम से सिंगल फेज करके आप लोगों को डायरेक्ट घर में देने का काम किया। और मैंने उस लाइन के द्वारा ये कहा कि ये लोग तो वहां झगड़ा करेंगे ही, पहले आपको बिजली दे दी जाए तो ठंडक हो घर के अंदर, कूलर फ्रिज काम करे, बच्चों को पढ़ाई करने की कोशिश होगी तो वो लट्टू जले, और ये लोग जब थके मांदे वापस घर आएंगे तो ठंडा घर मिले। ऐसा करके आप लोगों को बिजली दी। और जाते जाते तक आप सब जानते हो लादूराम जी बिश्नोई लगातार फोन कर करके गांव के अंदर सबसे पता करा करते थे, तो जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सब जानते ही हैं, और पता करते थे कि कितनी घंटे बिजली मिल गई। 18 घंटे 20 घंटे तक मैं ले आई थी, 6 महीने और हो जाते तो 24 घंटे बिजली आपको घरों के अंदर तो लगातार ही मिलती। तब तो ये छूटा है बिजली के ऊपर जो आप लोगों का वो था ना, मैं तभी तो छुपाया। देखा धीरे धीरे लोगों के मन में विश्वास होना चाहिए, जब विश्वास करोगे राज पे तभी तो आप साथ जुड़ोगे। मैंने कहा मैं समझ सकती हूँ कि आपकी दुविधा और दुख क्या है, राज कहता कुछ है करता कुछ है। जब राज कहता है कि हम आपको बिजली देंगे और हम आपसे पेमेंट लेंगे, पैसा लेंगे, तो पैसा तो तब लो जब हमको बिजली दो। आप बिजली नहीं दे रहे हो, ट्रिपिंग जोरदार होती है, आपकी बिजली 3 या 4 घंटे मुश्किल से हमको मिलती है, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर 72 घंटे नहीं परंतु 1-1 महीने तक आता वापस नहीं है, उसके ऊपर रिश्वत लिया जाता है, VCR भरी जाती है, जिनके बड़े जोरदार बिल होते हैं 1-1 लाख 2-2 लाख 4-4 लाख। मैंने कहा ये जनता गनीमत है आपको कुछ भी पैसे दे रही है, क्योंकि अगर आपने क्वालिटी बिजली दी
तो जनता चला के आके आपको पैसे देके जाएगी, परंतु जब बिजली नहीं दे रहे हो तो उनसे पैसा मांगने का आपका हक नहीं है। इसलिए दोस्त वालों ने जब हल्ला किया तो मुझे समझ में आ गई कि वो क्या बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूं कि अब मेरे मेन स्ट्रीम में आप लोग सब आ गए हो। प्रॉब्लम्स हमारी सबकी एक ही है, और इसीलिए मैं आज आपको भी अपने परिवार के अंदर, मैं तो कह रही हूं मेरा परिवार है, और इस परिवार के अंदर आप सबको जोड़ना इसीलिए चाहती हूं कि मैं समझती हूं कि एक नया राजस्थान, एक नए सिरे से राजस्थान बनाने का काम हम सबको मिलकर करना है। कहीं भी महंगाई जो हो रही है माताएं बहने, आप देख रहे हो क्या जोरदार महंगाई, किसान के किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के अंदर महंगाई होते जा रही है। अरे 25 बार तो आपके बिजली के दाम, आपके पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल का दाम अभी अभी 50 पैसे बढ़ा है, और जो निर्णय हुआ है वो निर्णय ये है कि अपन धीरे धीरे हर महीने 50 पैसे बढ़ा दे, ताकि जनता के समझ में नहीं आए, वो धीरे धीरे अपने को पैसा देते जाए क्योंकि 50 पैसे तो कुछ भी नहीं है, और हम लोग अपना डीजल का दाम बढ़ाते जाएंगे। मैं कह रही हूं कि डीजल और पेट्रोल जब बढ़ता है तो आप लोग सब जानते हो हर चीज बढ़ जाता है। आज आपका जो गैस का सिलेंडर है, हमारे समय के अंदर जितना चाहिए था आप ले जाते थे, 261 रुपए का गैस का सिलेंडर हुआ करता था माता बहने। आज आप गैस का सिलेंडर 9 तक तो ठीक हो, और 9 के बाद किसी ने अपने घर में ले जाने की कोशिश कर दी साल में, तो आप ये समझिए कि उसको 700-800, और उसमें तो ब्लैक तो आता ही है, रिश्वत तो देना पड़ता ही है, 1000-1200 रुपए तक तो आपका सिलेंडर हो जाता है। किस तरीके से घर चलाओगे, किस तरीके से अपने आपको अपने परिवार को चलाओगे, ये कोई समझ नहीं सकता है। सब्जी पाला आप चले जाओ बाजार के अंदर, उसकी क्या हालत है, परंतु किसान की क्या हालत है उसको वो भी देख लो। किसान तो जिस तरीके से बीच में पिस रहा है, उसको सही तरीके से बिजली नहीं मिलेगी, उसको सही तरीके से पानी नहीं मिलेगा, उसको सही तरीके से बीज या खाद नहीं मिलेगा, और जब खाद और बीज नहीं मिलेगा तो उसकी फसल भी ठीक नहीं होगी, और जो फसल वो लेके जाएगा तो उस फसल को सही तरीके से दाम नहीं मिलने वाले हैं, तो वो आत्महत्या करने के ऊपर तुली नहीं है। पहली दफा राजस्थान का किसान आत्महत्या कर रहा है, ये कभी नहीं हुआ राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं आप लोग सबको ये कहने आई हूं कि ये तो एक परिवार सरकार जो चलाता है ना, और मैं कह रही हूं चलाओ ना, आप सरकार को चलाओगे तभी ये काम चलेगा। आप मेरी तरफ देखो और मेरे को कहो कि एक व्यक्ति राजस्थान को बदल देगा, नहीं बदल सकता। दिशा बदलने की सलाह दे सकता है, रास्ता बता सकता है, परंतु जादूगर तो सब ये बैठे हैं, ये पूरे के पूरे जादू हैं। आप ही के हाथ में है वो ताकत, आप ही के हाथ में है वो जादू। जिस दिन आप तय कर लोगे कि राजस्थान की दिशा बदलनी है और हमारी दिशा सुधरनी है, उस दिन आप देख लीजिए पूरा राजस्थान बदल जाएगा। मैं इसीलिए आप लोगों को कह रही हूं कि एक आदमी की ओर नहीं देखना है, ये पूरा परिवार जब चलेगा। और इसलिए जिस दिन मैंने शपथ ली थी, उस दिन मैंने वहां से संकल्प लिया था और आपको कहा भी था कि मैं यहां सेवा करने के लिए आई हूं, राज करने के लिए नहीं। ये राज करने वाले सब यहां बैठे हुए हैं, आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपकी आवाज को लिया जाएगा, और आपकी आवाज के ऊपर अमल करने का काम मैं करूंगी। छोटी बात है, परंतु आपको फिर मैं याद दिला दूं, जब भी बजट का काम हुआ करता था, मैं गांव के लोगों को ऊपर जयपुर बुलाती थी। सब लोग यह जानते हैं, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के जिला के अध्यक्ष, इन सब लोगों को बुलाया जाता था, और गांव गांव की समस्या को सुन के किसान के प्रभारियों को बुलाया जाता था, महिलाओं के प्रभारियों को बुलाया जाता था, उनको बैठ के मैं सुना करती थी। और मेरे अधिकारी कहते थे मेरे को, इनको बुला के क्यों पूछ रहे हो, इनसे क्या होगा। मैंने कहा इन्हीं के ऊपर ही बजट बनेगा, 5 साल का राजस्थान का बजट आप ही के ऊपर बना। महिला ने ये कहा इसलिए वो हुआ, किसान ने ये कहा इसलिए वो हुआ, व्यवसायिक ने ये कहा इसलिए वो हुआ, और आगे भी जो राजस्थान बनेगा और आगे भी जो राजस्थान चलेगा और जो नया राजस्थान बनेगा उसके अंदर आप सब लोग जो कहेंगे वो ही काम होना चाहिए, नहीं तो राजस्थान नहीं आगे जा सकता। मेरा दिल टूटता है जब मैं देखती हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब लोग अपना पैसा लगा लगा के उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बच्चा पढ़ता है, लिखता है, नौकरी नहीं मिलती, सड़क पे घूम रहा है, क्या करेंगे वो माता पिता, क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे। पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, दूसरे प्रदेश में नौकरी मिलती है। मैं कह रही हूं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को नौकरी अपने राजस्थान के अंदर ही मिले। 10 लाख लोगों को जब हमने अपने समय में नौकरी दी तो क्या आगे चल के हम लोग नहीं दे सकते, आगे चल के भी देंगे। और आपको ये कह देंगे कि व्यवस्था जैसे हम लोगों ने पहले बनाई थी,
जिस आरपीएससी की व्यवस्था में आप लोग खुशी थे, जिस आरपीएससी की व्यवस्था में इतनी सारी नौकरियां लोगों को मिली थी, उस आरपीएससी की व्यवस्था में अपन फिर से वापस जाके हमारे बच्चों को मौका देने का काम करेंगे। इसलिए सब बच्चों को मैं कहना चाहती हूं, चिंता मत करो, ये राजस्थान बच्चों का है, ये राजस्थान भविष्य का है, और उस भविष्य के राजस्थान को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आगे करने की हमें जरूरत है। उसके साथ साथ हमारी माताएं बहनों का है, वो माताएं बहनें सुरक्षित होंगी तो उनका परिवार सुरक्षित होगा। आज माता बहनों के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ बलात्कार होता है, उनके चैने खिंचती हैं, वो किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं चल सकती हैं। मैं कहती हूं कि हमारी जिस दिन माताएं बहनें सुरक्षित हो जाएगी भाइयों और बहनों, उस दिन हमारा राजस्थान सुरक्षित होगा। तो हमारे लड़के बच्चे, हमारी माताएं बहनें, हमारे सब भाई बुजुर्गगण जिस दिन अपने पैर पे खड़े होने का काम कर लेंगे, उस दिन राजस्थान में कोई नहीं होगा जो आपके सामने विकास को रोक सकता है। डरना नहीं, हिम्मत है कि नहीं है? वैसे वैसे मैं धोध वालों से पूछ रही हूँ, हिम्मत है कि नहीं? धोध वालों से तो हिम्मत ये पूछना भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है कि ज्यादातर तो हिम्मत है ही है, परंतु मैं फिर भी पूछूंगी, क्योंकि लोगों के बीच में डराने धमकाने का काम तो चल ही रहा है। मैं एक आपको ये बता दूं, मेरे पास एक पत्र आया है, जो टीचर करते ना ये सब काम आर्थिक गणना का, तो टीचरों को सरकार देती है कि इतने महीने में इतने साल में जाओ आर्थिक गणना करके और बता दो कि भाई क्या हो रहा है क्षेत्र के अंदर। तो 2012 के आर्थिक गणना के आंकड़ों में 20% की गिरावट आई, ये उसने बेचारे ने लिखा, जो सच्चाई है कि हमारी स्थिति राजस्थान के अंदर ये हो रही है। तो उसको नोटिस दिया गया, अतः उसने कहा कि 212 के आर्थिक गणना के आंकड़ों में 20% की गिरावट आई है आपके पत्र द्वारा, आपने जो लिखा है, अतः आप अपने क्षेत्र का गणना रिकॉर्ड पुनः प्राप्त करके उद्यमों का सही आकलन करा प्रपत्र 6A और 6B में सुधार कर 3 दिन में पुनः प्रस्तुत करो। माने ए मिस्टर, ये तुमने लिखा है, ये सबके सामने कागज नहीं जाएगा, ये 20% तुमने लिखा है कि आर्थिक गिरावट हुई है, तो करो खत्म और लिखो इसमें झूठ, ताकि लोगों को ये नहीं मालूम पड़े कि राजस्थान की क्या बदतर हालत हो रही है। इसमें लिखो, अन्यथा मानदेय पर विचार नहीं किया जाकर अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। क्या मतलब इसका? लोकतंत्र के जमाने में आप धमकी दे रहे हो, लोकतंत्र के जमाने में आप लोग हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। अरे किसी के लिए लोगों की इतनी क्षमता नहीं होती है, वो डर भी जाते हैं, किन्हीं के लिए लोग तो फिर भी खड़े हो सकते हैं। और इसलिए मैं कह रही हूं कि ये हमको नया जमाना करना है, ये हमको एक नया राजस्थान बनाना है, हमको जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करना है। अब हमारे मिलिट्री के लोग यहां बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि हम लोगों को वादा कर दिया गया था कि सीकर के अंदर कुछ मुर्बे उनको प्रॉमिस किए गए थे, अब उनको मिला कि नहीं मिला, इतने दिन शहीद हो गए बच्चे, उनके सारे में इतनी सारी मुसीबतें हो गई, उनके एवज में उनको क्या क्या मिलना चाहिए था, उनको मिला कि नहीं मिला। मैं समझती हूँ कि ये सबसे प्रायोरिटी अपने को देने की जरूरत है। मुझे याद है कि कारगिल का युद्ध हुआ था, तो जहां जहां शहीद हुए थे, आपको याद है अटल जी ने मेरे को हेलीकॉप्टर दिया, और एक एक घर, मैं नहीं समझती कि कोई भी एक घर ऐसा बचा होगा जिस घर के अंदर मैंने जाके उन शहीद और उनके परिवार के सामने अपना शीश झुका के सरकार की ओर से नमन नहीं किया हो। यह है सरकार, यह है सरकार जो अपने लोगों को मानती है, जो अपने व्यक्तियों से प्यार करती है, जो अपने परिवार को इकट्ठा करके रखती है, जो ये नहीं कहती है कि तुम मुसलमान तुम हिंदू, जो ये नहीं कहती है कि तुम जाट हो तुम राजपूत, या तुम मीणा और तुम गुजर, इस तरीके से नहीं करते। जब सबको साथ लेके चलते हैं तभी तो प्रदेश बदलता है, तभी गुजरात बदला, तभी मध्य प्रदेश बदला, तभी ये सब दूसरे स्टेट आगे बढ़े। क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? क्यों भाइयों, आगे बढ़ना है तो ये तय कर लो कि हमें इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, हमको अपने इस परिवार को आगे ले जाना है। हाथ पकड़ो एक दूसरे का और साथ चलो, और पूरे परिवार 36 के 36 कौम और सब मजहब, ये तय करके निकलो कि हम अपने गांव के अंदर बदलाव लाएंगे, हम अपने जिले के अंदर बदलाव लाएंगे, और हम अपने जिले के द्वारा अपने प्रदेश के अंदर बदलाव लाएंगे। क्या इतनी हिम्मत है? है क्या हिम्मत? लोड वाले हैं तो फिर कैसे काम होगा? करने को तैयार हो तो बोल दो, तो इतना तो मत कहना मेरे को कि हमने बहुत दिनों से संघर्ष किया है। है तो मेरे
साथ एक जोरदार नारा दो, जय जय राजस्थान, जय राजस्थान। अरे राम, जय जय राजस्थान क्या होगा ये, एक जोरदार तरीके से जय जय राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सब लोग मिलके साथ चले, हाथों में दिए हाथ, चले दूजे के पास, हाथों में दिए हाथ, चले दूजे के पास, अरे जो बट रही है, जो आप लोगों को सामान दिया जा रहा है, ये भी आप ही का है, उसको ले लो, नहीं तो काला धन बच जाएगा उनके वहां बैंक अकाउंट में। परंतु याद रखना कि जब जाओगे समय पे, वहां गलती अपने को नहीं करनी है। और धोत वालों को तो मैं चला के इसलिए कह रही हूं कि वो सबसे आगे चलने वाले लोग हैं। इस बार धोत की सीट, इस बार धोत की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आना चाहिए।